राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। नरसिंहपुर जिले के 14 दिन का लॉकडाउन पर राजधानी व्यू चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रेन के पहिए 31 मार्च तक पूरी तरह से थमे और जगह जगह टेम्परेचर मशीन से प्रत्येक आम जनता का टेम्परेचर नापा जा रहा। इसे लेकर विशेष डॉक्टरों से उनकी राय भी जानी। हम देख रहे हैं कि स्टेशन पर लगातार कर्मचारी एवं डॉक्टर सब लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोरोना नामक वायरस जो फैला हुआ है, आज तक उसका जिले में कोई भी मरीज नहीं मिला है और डॉक्टर साहब द्वारा जो चेकिंग की जा रही है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर टेम्परेचर मशीन से कैसे चेकिंग की जा रही है। हाँ, ये टेम्परेचर मशीन से जो कोरोना वायरस सस्पेक्टेड का जो हम टेम्परेचर नोट टेस्ट थर्मामीटर है, इसके द्वारा हम फ्रंटेरिया में हेड के पास ले जाकर चेक करते हैं, जिससे यदि किसी पेशेंट के नॉर्मल आता है तो फिर उसको अलग से अपन जांच करने के लिए करते हैं और उसको अलग जो ट्रीटमेंट के लिए उसको रखते हैं। लेकिन अभी तक हमने कंटिन्यू जाँच करके देख रहे हैं, हमारे पास कोई भी ऐसे सस्पेक्टेड पेशेंट नहीं आया या कोई भी यात्री नहीं आया, कोई भी कर्मचारी नहीं है। अभी तक हम जो भी कंटिन्यू जाँच कर रहे हैं और आगे हमें 24 आवर्स काम करते रहेंगे और हम पूरा रेलवे में डॉक्टर पूरे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हम पूरे सभी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा निर्देशानुसार और हमारे SP और DA कलेक्टर साहब के द्वारा हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम कंटिन्यू जांच करते रहेंगे। कोई भी मरीज आपको लगा क्या? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसे कोई मरीज नहीं लगा जो सस्पेक्टेड हो। हमारे नरसिंहपुर अभी तक किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस से अभी ग्रसित नहीं है और अभी नरसिंहपुर हमारे अभी कोरोना वायरस से मुक्त है। आज हम बैठे हैं अभी नरसिंहपुर के प्रसिद्ध चिकित्सालय डॉक्टर निग्रह के और अभी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो अभी सिस्टम चल रहा है और जिस प्रकार से जो एक लाइलाज बीमारी है, इस संबंध में प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने क्या व्यवस्थाएं की है इस प्रकार के पेशेंट से निपटने के लिए, या इस प्रकार का कोई डाउटफुल पेशेंट आता है तो उससे उनके केयर करने के लिए क्या इस प्रकार की और डाउटफुल लोगों के इलाज के लिए, और भी अगर जो सिविल पर पेशेंट भी आते हैं, सामान्य रोगी भी आते हैं, तो इस प्रकार के लोगों के लिए अगर इस प्रकार कोई सिस्टम पाया जाता है तो एहतियातन डॉक्टरों की क्या तैयारी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या तैयारी है और किस प्रकार के प्रशासन के द्वारा इनको निर्देश है, आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अभिजीत निखा जी से। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि अपन सब देख रहे हैं, कोरोना वायरस का ये जो महामारी का रूप, इसने पेंडेमिक का रूप ले लिया है, अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसार रहा है ये। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना है। कोई भी हमारे आसपास में, मोहल्ले में, दोस्तों में, साथियों में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं आया जो बाहर घूम कर आया है, विशेष तौर पर वो इलाके जहाँ पर कोरोना से ग्रसित मरीज मिल रहे हैं, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, पूना है, नागपुर है, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआती में 7 से 14 दिन तक कोई लक्षण नहीं भी आ सकते हैं और शुरुआत होती है हल्के बुखार से, हड्डियों में दर्द से, सूखी खांसी और आखिरी में सांस लेने में तकलीफ होती है। तो कोई भी हमको ऐसा सस्पेक्ट लगता है, कोई भी ऐसा अंदेशा लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति बाहर से घूम के आया है, उसे इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, तो तत्काल उसकी जांच कराना जरूरी है। दूसरा, हम ये एहतियात बरत सकते हैं, अगर हमको किसी भी व्यक्ति पे शक है ये बाहर घूम के आया है, बीमार है, थोड़ा सा हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 3 से 6 फीट का डिस्टेंस हमको आपस में रखना है, ये ध्यान देने की बात है। दूसरा, जो भी संक्रमित व्यक्ति है, कोरोना वायरस ना हो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल वायरल फीवर जो है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, सर्दी जुकाम, खांसी, ऐसे लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आम पब्लिक अगर अपने घर में बैठी है, मास्क नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन जब भी अपन भीड़ के इलाके में जा रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सामने वाला खांस रहा है, उस समय भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जानना ये चाह रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, हालांकि लोग समाचार देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि सामान्य सर्दी खांसी जुकाम वालों को भी लोग इस प्रकार के सिस्टम से जोड़कर उससे एक डिस्टेंस बनाने लगते हैं। तो उनको अपन किस तरीके से समझाएं कि एक सामान्य सर्दी खांसी जुकाम एक अलग होता है और कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति होता है तो उसके सिस्टम्स अलग होते हैं, इन दोनों में फर्क कैसे उनको समझाया जा सकता है? देखिए, कोरोना में मुख्य जो लक्षण सामने आ रहे हैं, देखिए सर्दी जुकाम बुखार तो एक हर एक फीवर में, चाहे वो वायरल फीवर हो, बैक्टीरियल हो, आम बात है,
लेकिन जब तक हड्डियों में दर्द ना हो, बॉडी एक जिसको अपन बोलते हैं, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा, जोड़ों में दर्द, और दूसरा जो सबसे मुख्य लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ होना, भले ही वो किसी भी स्तर की हो, लेटने में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलना, तो ये थोड़े से हाई अलर्ट साइन हो जाते हैं, तो फिर हमको ध्यान देने की जरूरत। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, भले ही अपन कोरोना से संक्रमित नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अपने आसपास भी कोई नहीं है, फिर भी अगर अपने को सर्दी जुकाम बुखार है तो भी अपने को मास्क का प्रयोग करना है, एहतियात बरतने में कोई नुकसान नहीं होने वाला है अपना। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, जितने भी मैक्सिमम वायरल फीवर्स हैं, वायरल इन्फेक्शन जो फेफड़े के होते हैं, वो खांसने से छींकने से ही फैलते हैं, तो कम से कम हमें दूसरी बीमारियों से भी प्रिवेंशन एक हमारा रहेगा कि दूसरे व्यक्ति को ना लगे। अगर सपोज मान लीजिए इस प्रकार का कोई इन लक्षणों से युक्त तो कोई व्यक्ति, कोई मरीज अगर आपके यहाँ आता है, तो क्या उसको प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किस प्रकार आप उसको ट्रीट करेंगे, किस प्रकार से उसको आप इलाज देंगे, या जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर देंगे, या खुद यहीं हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है आपके यहाँ हॉस्पिटल में? देखिए, सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की नहीं, मैं लगभग सारे हॉस्पिटलों के लिए बताना चाहूँगा, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो बाहर से घूम के आया है और उसको खांसी की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले एहतियात के तौर पे अपने को उसके हाथ धुलवाने हैं, हॉस्पिटल के बाहर ही उसके हाथों को सैनिटाइज कराना है, उस व्यक्ति को मास्क प्रोवाइड करना है जिससे वो संक्रमण दूसरों को ना फैले, और अगर थोड़ा बहुत भी लक्षण ऐसा लगता है कि कोरोना हो सकता है तो तत्काल उसको जिला अस्पताल जाके जाँच की सैंपलिंग की सुविधा अपने यहाँ है, अभी टेस्ट की सुविधा जबलपुर में चालू हो गई है, तो यहाँ से सैंपल लेके जबलपुर भेजा जा रहा है, 3 से 5 दिन में उसकी रिपोर्ट आ गई। नरसिंहपुर से मंजीत हाबड़ा की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका, हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।